जो है वो अकाउंटेबिलिटी कर ली उस पैसों की, तो वो जायज कैश इजी पैसे वाले जो पैसे वापस रिफंड करवा लेते हैं। अच्छा होता क्या है कि आपके पास पैसा आया, आपने पैसा तो आ गया, बंदा झूठ नहीं बोल रहा, अब वो रिफंड करवा लेगा फ़ौरन, वह रिफंड करवाने में लगेंगे तकरीबन 1 घंटा, वो आपको भेजेगा OTP कि वो OTP आया है, तब वो OTP बता दें। जब आपको OTP बताए, आप उसको बताएंगे तो क्या होगा, जो उस 20-30 हज़ार रुपये आपके पास से जानबूझ कर उसने भेजे हैं, उसके अलावा जब वो तो रिटर्न हो जाएंगे कंपनी के थ्रू, मगर जो आपका अकाउंट है वो खाली हो जाएगा। तो ऐसा कभी कोई आपसे OTP पूछे, आपसे कोई पासवर्ड पूछे, कभी कोई आपसे पिन कोड पूछे, कोई आपसे टी पिन पूछे, कभी किसी को नहीं बताना। इवन कि जब आप ATM जा रहे हैं, ATM में होता है बाथरूम में कार्ड फंस जाए कुछ हो जाए, आप भले ATM में 1 घंटा लगा दें, पीछे लंबी कतार लग जाए, मगर ATM से बाहर नहीं निकलना जब तक आपको कन्फर्म ना हो जाए कि यार मेरा कार्ड अंदर फंस गया है। कार्ड अंदर फंस जाए कभी आपको ATM में, तो कैंसिल का बटन कैंसिल का दबाते रहे दबाते रहे दबाते रहे दबाते रहे दबाते रहे, दबाने के बावजूद भी अगर कार्ड बाहर नहीं आता तो वहाँ एक लाइट जलती है कार्ड डालने की जगह पर, अगर वो लाइट जल रही है ब्लिंक कर रही हो कार्ड आपको फंस गया है, तो फिर आप ये करें कि आप सिंपल सा अपने कार्ड को बचाने के लिए ये करें कि आप एंटर करेंगे ना तो आपसे टर्मिनेशन मांगेगा और NIC नंबर मांगेगा, तो उस पर NIC नंबर लिखें, टर्मिनेशन लिखें या NIC नंबर घर लिख दें, उसमें क्या होगा कि वो फिर आपकी वो जो ट्रांजेक्शन होगी वो कैंसिल कर देगा। अगर वो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गई तो मतलब आपका कार्ड अंदर फंस गया और चले गया, पर आपको ब्रांच नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि जब भी ATM की आप ट्रांजेक्शन करें तो आप ब्रांच अपनी जो बैंक है, अपना जो बैंक है उसी को इसी ब्रांच से करना है। इसी बात की कोशिश करेंगे जब पेमेंट आप निकलवाएं ATM से वो बैंकिंग टाइम से निकलवाएंगे, कभी आपका कार्ड फंस जाए तो फौरन आप बैंक से ले लें। तीसरा ये कि कोई भी आपके पास नोट निकलता है ATM से, चाहे 5,000 का हो चाहे 1,000 का हो चाहे 500 का हो, फटा हुआ निकले या आपको मशकूक लगे, तो फौरन निकाल के आप कैमरे पर दिखाएँ और उसका नंबर पूरा वाजे करें सही आगे पीछे से काफ़ी देर तक, और फिर आप उसको नोट को चलाएं। अगर नोट नहीं चलता तो फिर आप जाके बोल सकते हैं बैंक से कि मेरे पास इस टाइम्स पे ये पैसे निकले थे, मैंने आपके CCTV पे भी दिखाया है, तो वो नोट जो है जाली निकले तब मुझे चेंज करके दे। और दूसरी चीज़ ये भी होती है, अगर ब्रांच खुली हुई और आप किसी भी ब्रांच से जाके करवा रहे हैं तो आप हथियार चेंज भी करवा सकते हैं, पटा हुए तो हथियार चेंज भी करवा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप इन पैसों के जो स्कैम है इनसे बचे रहें। दूसरा एक बड़ा स्कैम चल रहा है, वो ये चल रहा है कि आपने रेंटा कार खोली और रेंटा कार खोलने के बाद जो है आपने गाड़ी रेंट पे दे दी, तो आपने जब गाड़ी रेंट पे दी तो होगा ये कि एक बंदा आएगा रेंट पे गाड़ी ले जाएगा, आपको पैसे भी अच्छे देगा, आपको एडवांस भी अच्छा देगा, फिर वो थोड़ी देर दिन बाद गायब हो जाएगा। जब गायब होगा तो पता चलेगा भाई उस पर फाइल बन गई, गाड़ी जो है वो इंटीरियर सिंह में घूम रही है, कोटा बलूचिस्तान में घूम रही है, गाड़ी बिक गई है, अब आप रिकवर करवाते रहें। रिकवर तो वही करवाएगा ना जिसके पास पैसा है, जो वकील कर सकता है, जो कोर्ट कचहरी का चक्कर कर सकता है, जो थाने कचहरी का चक्कर कर सकता है। तो कोशिश करें कि यार इस तरह का कोई बिजनेस ना करें जिसमें आपको फंसने के चांस हों, और ना रेंट पर गाड़ी लें किसी से और ना रेंट पर गाड़ी दें। दूसरी बात ये OLX पे या पार्कविल से कोई गाड़ी सेल परचेज करने से पहले आप चेक कर लें कि गाड़ी यार उसके नाम है नहीं है, ये तो नहीं है कि ओपन लेटर पे है वो रेंट की गाड़ी है उसे बेच दी आपको, आप बयान दे दें तो खाम खाए उसके पैसे ज़्यादा हो जाए। दूसरी बात ये कि जब भी OLX पे या पार्किंग पे गाड़ी सेल करें तो अपना जो मोबाइल नंबर है वो शो मत करें, ठीक है शो करना ज़रूरी होता है, बस शो करेंगे ना तो सामने वाली के पास आपकी चीज़ें पहुँच जाती हैं। अक्सर जो है चोरी चिकारी जो होती है, जो मुझे लगता है जो मेरी सच वही होती है कि आपका नंबर चले गया, जब आपका नंबर चले गया तो नंबर से डिटेल निकालना कितना मुश्किल है यार। इसी तरह जो है आप फेसबुक मार्केट प्लेस की गाड़ी बेच रहे हैं, कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, तो अपनी पर्सनल फेसबुक ID से कभी भी गाड़ी ना बेचें, ना ही आप जो है कोई अपनी महंगी चीज़ बेचें। अगर आप बेचेंगे तो जो भी ख़रीदने वाला होगा उसकी अपनी फेसबुक प्रोफाइल पता चल जाएगी, आपके दो सेवा पता चल जाएंगे, आप इतना भी लॉक कर लें अपनी फेसबुक प्रोफाइल को वो आप तक पहुँच जाएगा। तो बेहतर है कि आप फेसबुक जो पे मार्केट प्लेस जो भी चीज़ बेचें अपनी पर्सनल से ना बेचें, प्रोफेशनल ID से बेचें। दूसरा ये कि अपने नंबर को हैड करके रखें जब भी कोई इस तरह की प्रॉपर्टी का या कोई भी चीज़ हो रही हो, और कोई भी आप प्रॉपर्टी का ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं उसमें आप भी बास्किंग कर रहे हैं तो अपनी पर्सनल ID से कभी भी आप कोई चीज़ ना पूछें, वरना आपकी लोकेशन, आपकी हिस्ट्री, आपके रिश्तेदार सब जो है उन तक पहुँच जाएंगे जो कि स्कैम वाले होते हैं। तो खुदा खुदा।